तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CBR250R के फ्यूज बॉक्स के बारे में, कि इसके मेन फ्यूज बॉक्स और सेकेंडरी फ्यूज बॉक्स और इसका जो फ्यूज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं और इन फ्यूजों में कौन सा मेन होता है, सबसे मेन जो फ्यूज होता है। आज मैं एक ऐसे फ्यूज के बारे में बात करूंगा जो फ्यूज आपने CBR में जनरली एक हिडन जगह पे होता है और उस फ्यूज के जल जाने के बाद पूरी गाड़ी में कहीं भी कैसी भी तरह से आप अगर की ऑन करते हो तो उसके बाद भी लाइट नहीं जलती है। तो फ्यूज बॉक्स के ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे की लगानी है और इसके बाद अपनी पैसेंजर सीट को ओपन कर लेना है। पैसेंजर सीट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो दो बोल्ट हैं, ये वाले जो दो बोल्ट हैं, इनको ओपन करना है और इसके बाद आपको ये जो सीट है ड्राइवर वाली, ये भी अलग कर देनी है। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। तो ये सीट मैंने कर दी है ओपन, ड्राइवर साइड की सीट भी मैंने ओपन कर दी और यहाँ पे होता है इसका फ्यूज बॉक्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा डब्बा, ये फ्यूज बॉक्स है, ये देखिए, ये इसका एक मेन फ्यूज बॉक्स है जिसमें सब तरीके के फ्यूज लगे हैं और सारे के सारे फ्यूज 10 एम्प्स के हैं। और ये जो दो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हैं, ये जो दो फ्यूज हैं ये स्पेयर फ्यूज हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये एक डायोड है। ये वाला जो फ्यूज बॉक्स है इसमें आपको हेडलाइट, लाइसेंस प्लेट, पोजीशन लाइट, स्टॉप लाइट, टर्न मीटर, टर्न इंडिकेटर, इग्निशन पंप, सोलेनॉइड, हॉर्न, फैन और ओडो क्लॉक वगैरह के फ्यूज सारे मिल जाते हैं। ये सारे फ्यूज ही 10 एम्पियर के होते हैं और ये भी सारे के सारे स्मॉल साइज के हैं। और इसके अलावा ABS वाला जो वर्जन होता है उसमें एक फ्यूज बॉक्स और होता है, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। वो जो फ्यूज बॉक्स होता है वो यहाँ पे होता है आगे थोड़ा सा, और ये वाला फ्यूज बॉक्स मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें दो 30 एम्पियर के फ्यूज होते हैं और एक इसमें स्पेयर होता है फ्यूज साथ साथ, और जो स्पेयर वाला फ्यूज होता है वो अलग रखा रहता है। और ये जो ऊपर लगे हैं ये दोनों फ्यूज हैं, इनमें से एक ABS की मोटर का है और एक ABS के फेल होने के टाइम पे कोई रिले होती है इसमें वो काम करती है उसका होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसका दिखा देता हूँ, इसके डब्बे पे ही लिखा हुआ है ये। तो ये देखिए मैंने ये डब्बा बाहर निकाल लिया और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो फ्यूज होते हैं 30 एम्पियर के होते हैं और एक जो होता है वो होता है ABS फेल सेफ्टी रिले का और एक होता है ABS की मोटर का और एक होता है स्पेयर, ये आपको दिख रहा है। इस पर तीनों के डिस्क्रिप्शन दिए हैं। और इन सब के अलावा इसमें एक फ्यूज और होता है जो कि मेन फ्यूज होता है। उसके अलावा अगर वो फ्यूज जल जाता है किसी कारण से तो आपकी गाड़ी में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। अगर वो फ्यूज जल गया, वो फ्यूज कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। वो फ्यूज होता है इसके अंदर, यहाँ पे इसकी सेल्फ की रिले होती है गाड़ी की, CBR की सेल्फ की रिले इसके अंदर होती है और इसी के ही अंदर वो फ्यूज होता है। मैं अभी आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, पहले मैं ये निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसका जो मेन फ्यूज होता है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये वाली जो रबड़ है जो रिले को कवर कर रही है, रिले का जो कवर है उसको हटाना है और इसके अंदर आपको ये जो लाल कलर का कनेक्टर दिख रहा है ये कनेक्टर आपको रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए इसके साइड में दो क्लिप्स दिए हैं, उन दोनों क्लिप को जब आप ऐसे दबाएंगे और इसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने कनेक्टर निकाल लिया है बाहर और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ये एक 30 एम्पियर का फ्यूज है, ये मेरे सामने जो है ये इसका मेन फ्यूज होता है। और अगर ये फ्यूज किसी कंडीशन में जल जाता है तो इसके अलावा पूरी गाड़ी में कहीं भी पावर नहीं आती है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कैसे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये फ्यूज मेरी गाड़ी में कनेक्टेड है और मैं ये वाला जो क्लिपर, मतलब ये वाला जो कनेक्टर है, इसे दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद गाड़ी को जब ऑन करूँगा तो गाड़ी ऑन हो जाएगी जनरली। ये देखिए मैंने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया और इसके बाद मैं जब गाड़ी की चाबी लगा के ऑन करता हूँ तो गाड़ी ऑन हो रही है प्रॉपर, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं ये वाला फ्यूज़ निकाल देता हूँ, मतलब जल जाता है किसी कंडीशन में, और उसके बाद अगर गाड़ी को ऑन करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं ये वाला फ्यूज़ निकाल लेता हूँ बाहर, ये देखिए मैंने ये वाला फ्यूज़ बाहर निकाल लिया है और अब मैं ये कनेक्टर दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ और तब गाड़ी को ऑन करते हैं तो गाड़ी ऑन नहीं होती है। ये देखिए गाड़ी ऑफ है प्रॉपर क्योंकि ये फ्यूज़ बाहर है। अब मैं ये फ्यूज़ दोबारा से लगाऊंगा और दोबारा से कनेक्टर को कनेक्ट करूंगा प्रॉपर
तो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और ऑन हो जाएगी। ये देखिए मैं ये फ्यूज दोबारा से लगा रहा हूँ, मैंने ये फ्यूज़ प्रॉपर लगा दिया है और इसके बाद मैं ये वाला कनेक्टर लगा देता हूँ। और ये देखिए, तो ये था आज के वीडियो में कि गाड़ी का अगर मेन फ्यूज उड़ जाता है तो गाड़ी जल जाता है, तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और मेन फ्यूज कहाँ पे होता है और जो बचे हुए एडिशनल फ्यूज होते हैं गाड़ी के वो कहाँ पे होते हैं CBR 250R में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, किसी दोस्त के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वीडियो को शेयर करना, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यार वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, आपका एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे यूट्यूब पे प्रोवाइड कराता रहूं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।